हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 19.2 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 19.2 के मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक को सॉल्व किया है। वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अ होलो गार्डन रोलर 63 सेंटीमीटर वाइड विद अ गिर्थ ऑफ 440 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ 4 सेंटीमीटर थिक आयरन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में बात की गई है होलो गार्डन रोलर की, ओके, और ये है आपका होलो गार्डन रोलर। अब बच्चों, नो डाउट इस रोलर को देखकर आप बता सकते हो इसकी शेप है सिलेंडर जैसी, ओके। आगे क्या बोला गया है, 63 सेंटीमीटर वाइड। अब ये जो रोलर है इसकी विड्थ कितनी है, 63 सेंटीमीटर वाइड, ओके। तो बेसिकली अगर इसको मैं खड़ा कर दूं इस तरीके से, ओके, देखिए यहाँ पर ये लेटा हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको खड़ा कर दिया है, ओके, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, ओके, यहाँ पर हमने इसको वर्टिकल कर दिया है। तो इसकी हाइट के बारे में बोला गया है, 63 सेंटीमीटर वाइड का क्या मतलब है, हाइट ऑफ दिस रोलर, ओके, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। तो हाइट कितना हो गया बच्चों, 63 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद क्या बोला गया है, विद अ गिर्थ ऑफ 440 सेंटीमीटर। अब देखिए इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का मतलब होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सरकमफेरेंस। क्या मतलब होता है, सरकमफेरेंस। जब भी ये वर्ड लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि सरकमफेरेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है बेसिकली किसका होगा, इस सिलेंडर का, यानी कि इस रोलर का, ओके। अब सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो बच्चों, हमने पहले की वीडियोज़ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किस तरीके से आप सिलेंडर का सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर भी समझा देता हूँ, ओके। अब मान लीजिए अगर मैं इस सिलेंडर को डिसमेंटल करता हूँ तो ये कैसा दिखेगा, देखिए जो आपके दो सर्कल हैं, एक ऊपर का एक नीचे का, वो हमने यहाँ पर ले लिए, ओके। और अगर मैं इस सिलेंडर को यहाँ से कट कर देता हूँ, ओके, कट कर देता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये आपका एक रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखाई देगा, ओके। अब इस रेक्टेंगल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr, ओके, क्योंकि ये आपका कैसा था, पहले कैसा था, सर्कल की फॉर्म में था, ओके, फिर हमने इसको सीधा कर लिया, तो सरकमफेरेंस क्या होगा, यानी कि इसके पैरीमीटर की बात हो रही है। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ दिस शेप। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, हाइट आपको गिवन है, ओके, 63 सेंटीमीटर, इसके बाद सरकमफेरेंस आपको गिवन है, सरकमफेरेंस कितना है, 440 सेंटीमीटर, ओके। अब बच्चों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आगे बोला गया है इज मेड ऑफ 4 सेंटीमीटर थिक आयरन। तो देखिए, अब ये जो आपका सिलेंडर है या फिर हम कहें रोलर है, ये जो थिकनेस है, ओके, ये किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का, किस चीज़ का बना हुआ है, आयरन का, और इसका जो साइज है वो कितना है थिकनेस का, 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों, निकालना क्या है आपको, वॉल्यूम ऑफ द आयरन। तो वॉल्यूम आपको निकालना है, तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है होलो सिलेंडर के लिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ओके, ये होता है वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर या फिर हम कहें होलो गार्डन रोलर। अब बच्चों, इस वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए ना तो आपके पास कैपिटल आर का वैल्यू है, ना ही स्मॉल आर का वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है सिर्फ हाइट का, तो ऐसे तो वॉल्यूम निकलेगा नहीं, ओके। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको गिवन था सरकमफेरेंस, ओके, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना,
सर्कमफेरेंस की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है ये जो आपका पूरा का पूरा सिलेंडर है या फिर हम कहें रोलर है, इसके सर्कमफेरेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जो आर यूज़ करेंगे वो आपका कैपिटल आर होगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ से हम निकाल लेंगे कैपिटल आर, 2πr इज इक्वल टू 440। ओके, अब यहाँ पर आप लिखेंगे 2 × 22/7, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आर आपको फाइंड करना है 440। ओके, देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 20, फिर फर्दर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 10 हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली आर का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका कितना जाएगा, 70 सेंटीमीटर। ओके, तो कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास आ गया 70 सेंटीमीटर। अब देखिए कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास आ चुका है, स्मॉल आर का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये जो फिगर है आपका, ओके, कैपिटल आर का ये जो टोटल वैल्यू है ये कितना है बेटा, 70। ये कितना है बेटा, 70। मेरी बात आ गई समझ में, ये 70 है और जो थिकनेस है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो हम आर निकाल सकते हैं, छोटा वाला जो अंदर वाला आपका सिलेंडर है इसका आर हम निकाल सकते हैं। कैसे, 70 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो यही तो निकल के आ जाएगा आपके पास। मेरी बात आ रही है समझ में, अगर इस टोटल में से मैं ये थिकनेस माइनस कर दूं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। मेरी बात आ गई समझ में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंटरनल रेडियस। ओके, इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा बेटा, 70 − 4, तो ये आपका आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। मेरी बात आ गई समझ में, तो ये आपने निकाल लिया स्मॉल आर का वैल्यू। तो दोनों वैल्यू आपके पास आ चुके हैं, कैपिटल आर की भी और स्मॉल आर की भी। तो चलिए बच्चों अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द आयरन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, ओके, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहीं पर हम सॉल्व कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन। ओके, फॉर्मूला आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो सिंपली वैल्यूज़ को आपको पुट करना है, 22/7, कैपिटल आर का वैल्यू 70 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 66 स्क्वायर कर देंगे, एच का वैल्यू है 63 सेंटीमीटर। ओके, तो आप यहाँ पर रख देंगे 63 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बनता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 22/7। ओके, आप इसको एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। ओके, ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो आपका कैलकुलेशन पार्ट बढ़ जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर आइडेंटिटी रूल अप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसको माइनस कर लीजिए 66। ओके, ये 63 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22 × इसको ऐड कर लीजिए, कितना होगा बेटा, 136। ओके, इंटू 70 − 66 ऑब्वियसली 4, और ये आपका 9 होगा। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 107712 cm³। ओके, दैट मीन्स 107712 cm³, ये आपका आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ द आयरन। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल आउटसाइड सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक एट 50 पैसे पर स्क्वायर डेसीमीटर इज ₹198। द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 times द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टैंक, फाइंड द वॉल्यूम करेक्टेड टू 2 decimal places। तो चलिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए आपको कॉस्ट गिवन है पेंट करने की, किसको, टोटल आउटसाइड सरफेस ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक की। अब मान लीजिए आपके पास ये सिलेंडर है, ये ऑयल टैंक है, इसको बाहर से पेंट करने की जो कॉस्ट है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है, 50 पैसे पर स्क्वायर डेसीमीटर इज ₹198। तो ये आपको कॉस्ट गिवन है। इसके बाद क्या बोला गया है, द हाइट ऑफ द टैंक इज 6 times द रेडियस ऑफ द बेस। तो चलिए इस बात को हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं, हाइट कितना गिवन है,
सिक्स टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, सिक्स टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ओके, इसके बाद आपको बोला गया है कि वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, कहाँ तक निकालना है, टू डेसिमल प्लेस तक। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट के बारे में, आप यहाँ पर लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 50 पैसा, ओके 50 पैसे पर डेसीमीटर स्क्वायर। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कितना गिवन है, ₹198। ओके, ये आपको गिवन है। अब देखिए कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रेट, जब रेट को एरिया से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास निकल के आता है कॉस्ट। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम, यहाँ से हम निकालना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ओके, हाइट आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है। ओके, हाइट कितना गिवन है, 6 times of r, ये आपको गिवन है। अब देखिए इस रेडियस का एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो भी आपको निकालना है उसका फॉर्मूला पहले आप लिख लें और फिर वहाँ से समझें कि आपको क्या निकालना है। ओके, देखो एच का वैल्यू आपको गिवन था 6 r, आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है, मेरी बात आ गई समझ में, और वो वैल्यू आपका यहाँ से निकलेगा जो एरिया है। ठीक है, जो एरिया है आपका बेसिकली वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसी को तो बाहर से हमको पेंट करना है, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। मेरी बात आ गई समझ में, तो चलिए आप यहाँ पर लिख लीजिए कॉस्ट आपको गिवन है ₹198, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे 198 इज इक्वल टू रेट। अब देखिए रेट आपको गिवन है 50 पैसा पर डेसीमीटर स्क्वायर, तो 50 पैसा को आप कन्वर्ट कर लेंगे रुपीज़ में। ओके, सिंपली आपको 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये आपका आ जाएगा रुपीज़ में। मेरी बात आ गई समझ में, आप इस डेसीमीटर को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके, ये आपका ऐसे ही रहेगा पर डेसीमीटर स्क्वायर एरिया। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r + h, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों यहाँ से आप r का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको r और h दोनों गिवन है। ओके, तो सिंपली आपको करना क्या है, जो आपको गिवन है h इज इक्वल टू 6 r, तो h की जगह आपको क्या रखना है, 6 r रखना है, तो r की फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा 1/2। ओके, 1/2 आ जाएगा आपका इंटू 2πr, 2 × 22/7 इंटू आर, आर प्लस एच, अब इस h की जगह आप रखोगे 6 r। ओके, ये 6 r प्लस r हो जाएगा 7 r, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 22/7। ओके, ये आपका r और ये आपका हो जाएगा 7 r। ओके, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 22 r² ओके, 198 आपका यहाँ पर रहेगा। ओके, 198, तो चलिए इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 198/22। ओके, 11 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका 2 पर जाएगा और ये जाएगा आपका 18 पर। ओके, देन फर्दर ये आपका 9 पर जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 9। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ओके, अंडर रूट 9, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 3 decimeter। मेरी बात आ गई समझ में, आर का वैल्यू आपके पास निकल के आ चुका है 3 decimeter। ओके, आर का वैल्यू कितना आ गया, 3 decimeter, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, 6 × 3, तो h का वैल्यू आपके पास आ गया 18 decimeter। ओके, तो बच्चों अब आपके पास r का वैल्यू भी आ चुका है, h का वैल्यू भी आ चुका है, अब आपको सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। ओके, और आपको आंसर निकालना है 2 decimal place तक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 22/7
इंटू आर स्क्वायर, ओके दैट मीन्स 3 इंटू 3, ओके एच का वैल्यू 18। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 509.14 डेसीमीटर क्यूब, ओके क्योंकि ये आपका वॉल्यूम है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ओके 2 डेसिमल प्लेस तक है, आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद आपका 2 वैल्यूज़ है, ओके तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड हाइट्स आर इन द रेशो 5:3, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है। आपको गिवन है रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3, रेडियस आपको गिवन है लेकिन रेशो की फॉर्म में, दो सिलेंडर्स हैं, ओके पहला वाला मान लेते हैं ये वाला है और दूसरा ये वाला, ओके अब देखिए जहाँ भी रेशो गिवन होता है तो आपको कॉमन रेशो लेना होता है, तो रेडियस के लिए हम ले लेते हैं एक्स, ओके रेडियस के लिए कॉमन रेशो हो गया आपका एक्स। इसके बाद क्या बोला गया है, हाइट्स आर इन द रेशो 5:3, हाइट के लिए भी आपको एक रेशो लेना पड़ेगा कॉमन रेशो, लेकिन सेम नहीं लेंगे डिफरेंट लेंगे, ओके हाइट के लिए आप ले लेंगे वाई, ओके तो ये आपके 2 डिफरेंट रेशोज़ हो गए, ओके इसके बाद आपको बोला गया है कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस। तो आपको निकालना क्या है, रेशो ही निकालना है, लेकिन पहले में आपको निकालना है वॉल्यूम का, दूसरे में निकालना है कर्व्ड सरफेसेस का, ओके तो बच्चों आपने रेडियस के लिए कॉमन रेशो लिया है एक्स, तो यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, ओके पहले वाला जो आपका सिलेंडर है उसके लिए हो जाएगा रेडियस 2x और दूसरे के लिए हो जाएगा 3x, ओके इन द सेम मैनर हाइट के लिए आपने कॉमन रेशो लिया है y, तो पहले वाले की हाइट कितनी हो जाएगी 5x, ओके पहले वाले की हाइट हो जाएगी 5x, ओके और दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी आपकी 3x, ओके तो बच्चों अब हम निकाल लेते हैं जो पहला वाला पार्ट है, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो सिंपली आप यहां पर रेशो लिख लेंगे, ओके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, मैं यहां पर इसको नाम दे देता हूं 1, ओके रेशो आप बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ओके ये आपका 1 है ये आपका 2 है। अब आपको यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों के लिए सेम होगा, ओके अब यहाँ पर आपको आर और एच का वैल्यू पुट करना है जो आपको यहाँ पर गिवन है, ओके जो पहले वाला सिलेंडर है उसमें आर और एच का वैल्यू क्या है आप लिखिए यहाँ पर, ओके क्या गिवन है आर स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर इंटू एच, एच का वैल्यू 5x है, ओके नीचे लिखेंगे पाई, नीचे r का वैल्यू सेकेंड सिलेंडर के लिए r का वैल्यू कितना है 3x, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच, एच कितना है दूसरे के लिए 3x, ओके तो देखिए x से x आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके अब आपके पास क्या बचेगा 2x into 5 अपॉन 3x into 3x into 3, ओके तो देखिए इस x से ये आपका x कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों आपके पास क्या बचेगा 2 into 2 4, 4 into 5 20, 3 into 3 9, 9 into 3 is 27, तो सिंपल सी बात है आपके पास रेशो कितना आ जाएगा 20:27, ओके तो ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपको बोला गया है रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेसेस, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर 1, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर 2, ओके तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है 2πRh, ओके 2πRh, तो यहाँ पर आपको सिंपली r और h का वैल्यू पुट करना है सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2 के लिए, 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा आपका,
अब आपको यहाँ पर आर और एच का वैल्यू ही पुट करना है। ओके तो आर का वैल्यू पहले वाले के लिए क्या है, 2x, एच का वैल्यू 5x। यहाँ पर देखिए आर का वैल्यू सिलेंडर 2 के लिए 3x, एच का वैल्यू 3x। अब देखिए x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके आपके पास क्या बचेगा, 2 × 5 = 10, 3 × 3 = 9। ओके 10:9, तो आपके पास कितना आ गया, 10:9। ओके और यहाँ पर आपका आ गया था 20:27। ओके सो दीज आर द टू आंसर्स फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।